के आई रियली डोंट केयर कि आप मतलब अगर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, बट इट वुड एटलीस्ट हेल्प मी इन नॉट टॉकिंग टू अ बंच ऑफ पिक्चर्स. तो मतलब पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आई रियली लाइक यू टू टर्न ऑन योर कैमराज, एंड डजेंट मैटर इफ यू आर ड्रेस्ड इनफॉर्मली और हैविंग अ कप ऑफ टी और एनीथिंग, इट डजेंट मतलब मेक अ डिफरेंस. चलिए एटलीस्ट समबडी हैज कुछ ने रिस्पॉन्ड किया. एनीवे मतलब जस्ट अ बिट अबाउट माई सेल्फ, आई एम नवीद अहमद एंड आई एम अ बैचमेट ऑफ तहसरीन, एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आई एम करंटली ऑन स्टडी लीव डूइंग माई एम बी ए. सो द पॉइंट ऑफ दिस टॉक तहावली टॉक टू मी अबाउट वॉज द फैक्ट दैट बेसिकली दैट यू आर ऑल सी एस एस एस्पायरेंट्स एज फार एज आई नो. सो द क्वेश्चन इज ऑन बेसिकली द वट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड इफ एनी, एंड आई रियली डोंट वॉन्ट टू लाइक टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, बट जस्ट टू थ्री मेजर पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट. शुड आई टॉक इन इंग्लिश और उर्दू? आर यू गाइज मोर कम्फर्टेबल इन उर्दू? आई बी फाइन विद दैट. सर किसी में भी बात करने कोई इशू नहीं। अच्छा तो बात इसलिए है कि सी एस एस जो है ना वो इट्स नॉट सी एस एस इज बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर मैं कहूँ मेंटल एप्टीट्यूड अंडर प्रेशर. इट्स नेवर अ क्वेश्चन अबाउट कि आप कितना आपने पढ़ा है, क्योंकि जो सी एस एस एग्जाम का जो कोर्स और सिलेबस होता है वो हमेशा इस तरह डिजाइंड होता है टू कीप यू कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा मटीरियल है और आप वो कभी मटेरियल कंप्लीट कर नहीं सकते, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो पॉइंट ये है कि यू मस्ट प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, वन. नंबर टू के एक्सपेक्ट के जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो हमेशा एक या दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे व्हिच यू ऑब्वियसली विल नॉट बी फेमिलियर विद या यू वुड नॉट हैव प्रैक्टिस्ड. तो इट्स अबाउट द एबिलिटी के बहुत सारे मतलब एग्जाम्स मैंने मतलब जब सी एस एस मैंने दिया था आई सॉ के मेनी पीपल सॉ द क्वेश्चंस एंड दे जस्ट पैनिक्ड, और द पीपल हु पैनिक आर द पीपल हु एक्चुअली फेल इन द सी एस एस एग्जाम. तो इट्स नेवर अबाउट के आप मतलब क्या यू विल नेवर नो एवरीथिंग, इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट के इट्स अबाउट रिलेटिव स्कोरिंग के मतलब द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू उससे आप बेहतर लिख सकते हैं या नहीं. तो इफ दैट मतलब सिचुएशन कम्स इन मतलब एंड दैट सिचुएशन ऑब्वियसली आप लोग फेस करेंगे ड्यूरिंग योर एग्जाम, तो ड्यूरिंग दैट यू मस्ट नॉट पैनिक एंड नॉट पैनिक. और उस वक्त आपने बेसिकली इवन इफ यू राइट समथिंग बट इट इज बेटर देन समबडी हू राइट्स नथिंग, तो यू विल स्टिल गेट अ पासिंग ग्रेड ऑन इट. तो माय ओपिनियन के सी एस एस में कभी भी यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, यू शुड नॉट फोकस योर टाइम ऑन ट्राइंग टू लर्न एनीथिंग. यू विल सी दीज पीपल हु हैव बंच ऑफ बुक्स, मतलब 12 12 बुक्स लेके देयर स्टे मतलब वॉकिंग वन प्लेस अनदर प्लेस. इट्स बेटर कि यू हैव वन सिंगल गुड बुक और बस उसी को पढ़ें. तो मतलब नेवर गेट ओवरऑड बाय सिचुएशन. इट्स ऑल जस्ट इट्स ऑल अ माइंड गेम इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इट्स नेवर अबाउट कि आपने मेहनत कितनी की है, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क कंपेयर टू हार्ड वर्क. तो द पर्सन हु वर्क स्मार्ट इन द सी एस एस विल ऑब्वियसली क्लियर इट. एनी केस मतलब आई वॉन्ट दिस मोर टू बी मतलब आई टुक द सी एस एस एग्जाम, इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, इट्स अबाउट 7 ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ. लेकिन द पॉइंट इज कि आई वॉन्ट टू एक्चुअली ओपन इट अप टू यू. ऑब्वियसली यूर ऑल सी एस एस एस्पायरेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू एस्क मी अबाउट द फैक्ट कि सर्विस किस तरह की है, सर्विस में बेनिफिट्स क्या हैं, सर्विसेज के चैलेंजेस क्या हैं, हाउ टू डू द सी एस एस प्रॉब्लम्स, सब्जेक्ट सिलेक्शन, एनी थिंग, मतलब आई एम मतलब टोटली विलिंग टू मतलब आई वॉन्ट इट मोर टू बी इंटरक्टिव देन बेसिकली मी टॉकिंग अस्सलाम टू द वालेकुम सर। कैमरा. तो हाँ, सो प्लीज अली हैज रेज्ड हिज हैंड, प्लीज अली गो अहेड. सर यू जस्ट टॉक्ड अबाउट स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। कैन यू प्लीज सर इलैबोरेट दिस टर्म, बिकॉज़ आई हैव लाइक लिसेंड टू दिस टर्म लाइक सेवरल टाइम्स एंड आई हैव अनेबल टू रियली कोप अप लाइक अंडरस्टैंड दिस। व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन बाय स्मार्ट वर्क? मैं आपको बेसिकली चल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं पिछले, यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स जो पिछले 5 साल के हैं, ठीक है. तो एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपको अंदाजा हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग द लास्ट 5 ईयर पेपर्स के 15 जो हैं वो बेसिकली 19 15 जो
आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, या जो शुरू में आते हैं मतलब जो सिंगल मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, दे आर जनरली रेपिटेटिव एंड रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि आपने उसका एक पूल बना लें पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का, और उस 5 साल के पूल के इर्द गिर्द के टॉपिक्स आप कर लें। फिर जो अगला मोस्ट लाइकली जो एग्जाम आएगा वो उसी पूल से होगा, लेकिन मतलब उसने एक भाई की जगह दूसरे भाई की, या एक रेन के अलावा किसी और बंदे की रेन के पूछा होगा कि ये इस टाइम ये वॉर हुई थी। तो बेसिकली इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट कि आप एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉपिक्स बना लेते हैं। पांच या छह हमेशा इस तरह आएंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, जो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट किस्म के देगा। तो यू आर नॉट सपोज, आप उसकी एफर्ट ढूंढने में कि आप उसको खोज रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप वो 15-16 जो चीजें आपको सही तरह आप ढूंढ सकते हैं वो आप कर लें। तो दी बात यह है कि जो मार्जिनल बेनिफिट है टू गेट दोस 4 मार्क्स, उससे बेहतर ये है कि आप वो 15-16 मार्क्स को हासिल करने के लिए एक स्मार्ट वर्क कर लें। एक ये अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बस एक जनरल किस्म के होते हैं कि मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। आपको बस एक कोट, उसने एक कोट दी होगी और कहा होगा इस कोट को आप एक्सप्लेन करें। आप मतलब इफ यू आर अ स्मार्ट पर्सन, आपने इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कोट, आप उस कोट को ही ब्रेकअप करके अपनी जो वेरियस अदर नॉलेज के फैक्टर्स हैं उनसे अंदर ले आए। एक और अच्छी ट्रिक, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख रहे हैं, जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो यू हैव गॉट दीज, आपके पास एक बेतहाशा ब्रेथ ऑफ नॉलेज है। मतलब यू हैव, आपने कोई हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, आपने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने इस्लामियात वर्सेस एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज। आपने बेसिकली जब कोई ऐसे क्रिएट करना हो तो आप वही जो एग्जांपल्स जो आपने अलग-अलग उन चीजों में यूज करने, यू कैन यूज दैट टू मोल्ड एन एसे। इट डज नॉट मीन कि इसका मतलब ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव टाइम टू राइट ऑल दीज एसेज, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट के मतलब टेक एन एग्जाम एंड अंडर टाइम कंडीशंस डू एटलीस्ट ट्राई टू मेक द आउटलाइन एंड यूज द आउटलाइन यूजिंग द concepts that you are learning in the optional subjects, for example. तो अब examiner does not know आपके क्या optional subjects हैं, लेकिन वो उसको जब check कर रहा होगा, he will see कि you have diverse opinion, diverse feedback. तो और सबसे important बात, जो FPSC अपनी list देता है subjects की, you are never supposed to do all of it. मतलब it's physically impossible. It's just एक जैसे कहते हैं ना tension डालने वाली बात है. You're not supposed to do it. Pick up the questions, look at the 5-year papers and pick up one good book which answers most of the questions and just go by that book. You're not sub, I have seen people totally matlab freak themselves out over matlab learning 14 books 15 books notes bana rahe hain bahut sare, matlab I find that to be a quite time wasting. Matlab it's hard work, lekin it's matlab it makes no sense. Matlab aap jo effort put in kar rahe hain, you never get that output. Expect, matlab it will take too much time. I think it will take 2 years for you to actually do everything that way. But comparatively, agar aap smart work karein, to within 5-6 months you can easily clear the CSS. Does that answer your question, Ali? Yes, sir. Thank you so much for that. But I just came up with another question that is very relevant to our, you know, we are going to. Set in our screening test, and so many of us are like very confused about this. Can you please, you know, go through this? What should we study? How much time should we? अच्छा मेरे time पे there was no screening test, लेकिन I would certainly like you to. I've taken many tests, so can you guide me about क्या है screening test के अंदर? What are the questions जो उसके अंदर basically areas क्या? Screening test के अंदर basically इन्होंने कहा है कि हम 20th Feb को लेंगे और 200 number का test होगा, 3 घंटे का paper होगा और 33% यानी कि 66 out of 200 passing है और compulsory subjects का इन्होंने एक पूरा इन्होंने बता दिया कि जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी से 50 नंबर आएगा, इस्लामियात 20 नंबर का आएगा, जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स जो है यहाँ से 50 नंबर का आएगा, फिर इन्होंने उर्दू का 20 नंबर का डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि हम लोग फुली प्रिपेयर्ड थे कि फैब के अंदर हमने जाके बैठना है और हम लोग रिविजन की तरफ जा रहे थे, काफ़ी कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट भी थी हमारी, कुछ नोट्स रह गए थे कुछ चीज़ें। तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें कि किस तरह से जो है इसको हम करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतनी सारी किताबें मार्केट के अंदर, हर कोई जो है अगला बंदा जो है हर एकेडमी क्लेम कर रही है कि हम आपको स्क्रीनिंग क्लियर करवाएंगे। तो और बताएं क्या इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, एफपीएससी क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वाकई में नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जाएंगे, या मैंने ऐसा भी सुना है कि
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं सीएसपी बनना, लेकिन वो भी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं लेकिन वो रोड लर्निंग में, क्योंकि एमसीक्यूज बेसिकली रोड लर्निंग ही है ना इन अ सेंस, तो वो उनका नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालें, आपका एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर। लेकिन जी मेरा जी इट्स अ गुड क्वेश्चन, और आप लोगों के फियर्स जो है वैलिड है, जस्टिफाइड है. मतलब एक्चुअली बात इसकी जो रैशनल है वो ये है कि एवरी ईयर जो सीएसएस कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, और एफपीएससी का साइकिल जो है, मतलब आई हैव बीन थ्रू दैट साइकिल, इट्स टू लॉन्ग. मतलब आप एग्जाम देते हैं, अब मतलब अब एक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे पे 70-80% कैंडिडेट्स फेल हो गए होते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसे के अंदर वो मेजोरिटी लोगों को फेल कर चुके होते हैं. होता क्या है कि अब बाकी जो उनके एग्जामिनर्स हैं, उनको पता है इंग्लिश में फेल हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि रूल है कि सारे एग्जाम्स चेक करने, तो वो बस बैठ के अब बाकी उसके 11 पेपर्स भी चेक करने पड़ते हैं फीडबैक देने के लिए. तो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली द साइकिल टेक्स 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स, जो ऑब्वियसली यू वुड वॉन्ट कि आप उससे जल्दी आप साइकिल में. जब जमशेद गुलजार कियानी वॉज द एफपीएससी चेयरमैन, तो उस वक्त इट हैड बीन रिड्यूस्ड टू अबाउट 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स, तो उस वक्त इट वॉज मच बेटर. लेकिन अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारे कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज एफपीएससी की उस तरह बढ़ नहीं रही, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट वॉज अ लॉजिकल वे टू गेट आउट ऑफ इट. अब क्वेश्चन ये है कि मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए यू कैड हैव दे कुड हैव डन अनदर वे, कि इंग्लिश ऐसे पहले कर देते, इंग्लिश ऐसे पे ग्रेड करके जो रह जाते फिर वो बाकी पेपर्स देते, या 2-3 इंग्लिश ऐसे इस्लामिया 3 पेपर्स लेके. लेकिन एफपीएससी चोज टू गो बाय स्क्रीनिंग टेस्ट. अब आप इसमें भी अगर देखें, 33% इज नॉट अ वेरी, उन्होंने कोई बार इतना ऊपर नहीं रखा, तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स जो निकलेंगे वो होंगे जो विच आर टेरेबली पुअर. मतलब आप मुझे, मतलब आप एक अच्छी मतलब लर्निंग प्रोबेबिलिटी आप अगर देखें कि 1 आउट ऑफ मतलब कितने होंगे, 4 चॉइसेस होंगी या 5 चॉइसेस होंगी, तो ऑन अ टोटली रैंडम बेसिस यू हैव अ 25% to 20% चांस ऑफ गेटिंग एन आंसर राइट इन योर, मतलब अगर आप पूरा एक गैस लगाएं. तो इट दिस शोज दैट द सिस्टम इज नॉट डिजाइंड कि किसी कैंडिडेट जो बहुत ज्यादा वो है उसको फेल कर ले. जो इन्होंने लो बार सेट किया है वो इसलिए सेट किए कि उन कैंडिडेट्स को निकाला जाए जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस है. तो मतलब 33% पास रेट मीन्स दैट स्टिल जो उनकी एवरेज जो साइकिल आ रही है उसकी मोर देन 50% जो क्रॉप है वो अभी भी आ जाएगी अंदर. तो जो बेसिकली पॉइंट ये है लोगों को निकालना, जो बस कहते हैं कि हम बस शौकिया देना चाहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट और ये वो, तो उस चीज से बेसिकली एफपीएससी निकालना चाह रहा है. तो यू डोंट हैव टू फियर कि इट इज डिजाइंड इन एनी वे कि आप लोगों को वो करना चाह रहे हैं, कि मतलब कोई डिजर्विंग कैंडिडेट को निकालना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं. और जहां तक मेरा ख्याल है आपने जितना पढ़ लिया है, मतलब इफ यू यूर ऑब्वियसली यू यू आर रेडी टू टेक द सीएसएस, तो मेरे ओपिनियन में कि व्हाट यू शुड डू इज कॉन्सेंट्रेट ऑन दी जो टिपिकल ऑब्जेक्टिव्स आए हैं. एक तो मतलब ये गाइड बुक्स वगैरह मिलती रहती हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में आप ये कर लें कि जस्ट सॉल्व 10-ईयर पेपर्स और उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें, तो आई एम प्रिटी श्योर कि 33% तो आप लोग मतलब शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर इफ यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3-4 मंथ्स फॉर दी रिटन पार्ट, तो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. बाकी मतलब ईडीएस की मेरे ख्याल से होती थी बुक कोई, पता नहीं सुमरो की, वो आई स्टडीड इट क्वाइट अ लॉट फॉर ऑब्जेक्टिव्स. बाकी वही है कि यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पास्ट ईयर पेपर्स उसके ऑब्जेक्टिव्स पे, और इफ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन बुक तो मतलब वन बुक पर सब्जेक्ट इज मोर देन इनफ, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डज नॉट काउंट टुवर्ड योर फाइनल मार्क्स, इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट. तो बिकॉज ऑफ द जो लो बार रखा गया है, एक्सपेक्ट कि मोस्ट ऑफ यू विल इजिली क्लियर इट. Yes, sir. Thank you so much for making us feel comfortable, sir. Thank you. जी, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज. जी मारिया, व्हाट आर यू, कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन, व्हाट डू यू मीन क्वेश्चन स्ट्रक्चर सेम होगा, क्या मतलब, इफ यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन. Yes,
सर मैंने ये पूछना था, आपने कहा था ना कि वो जो प्रीवियस इयर्स के आए हुए ना पास्ट पेपर्स वो सॉल्व कर लें तो आप लोगों का मतलब अच्छे से पेपर हो सकता है कि वही क्वेश्चंस आप वही घुमा फिरा के पूछे होते हैं, जैसे किसी का वो किसी पर्सन का या फिर किसी भी टॉपिक को वैसे किसी भी किसी भी डोमेन में पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के फिर वो मतलब जो आ रहे होते हैं ना क्या कहते हैं एक सेकंड हाँ मतलब वो क्वेश्चन आ रहा होता है ना, तो मतलब मारिया मारिया इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन प्रॉपरली, तो बात ये है कि जो आपके आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरीली, अभी तो अली से मैंने बात की थी, तो क्वेश्चन इज कि आपने फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फर्स्ट गेट थ्रू द स्क्रीनिंग पार्ट, फिर आफ्टर मतलब यू आर डन विद द स्क्रीनिंग पार्ट देन आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर से मतलब इस तरह नहीं होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो किसी वॉर की बात करें कि वॉर स्टार्ट किस तरह हुई थी, तो एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि गिव द कॉजेज एंड रीजंस फॉर दिस वॉर, ये वॉर इस वजह से हुई। फिर एक होगी कि द असैसिनेशन ऑफ फ्रांस फर्डिनेंड इन दिस ईयर प्रेसिपिटेटेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, व्हाट डू यू थिंक वर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली लेड टू दोज सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो मतलब दैट इज जस्ट अनदर वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग दैट सेम क्वेश्चन, जो वो डिफरेंट तरीके से पूछ लेंगे। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब कॉजेस की बात कर सकते हैं, फिर इफेक्ट्स की बात सकते हैं, लेकिन बात यह है कि दे आर जस्ट वॉन्टिंग टू चेक योर नॉलेज ऑन वर्ल्ड वॉर वन। तो मतलब दैट इज माई पॉइंट अबाउट द क्वेश्चंस, कि बेसिकली एरियाज और थीम्स वही होती हैं, लेकिन उनको वो किस तरह से स्ट्रक्चर करता है वो अक्सर को स्टूडेंट्स आई हैव सीन के स्टूडेंट्स उसमें वो हो जाते हैं, मतलब दे गेट कन्फ्यूज्ड कि वो एक्चुअली पूछ क्या रहा है। लेकिन इफ यू आर अवेयर ऑफ द हिस्ट्री एंड यू रेड दोज क्वेश्चंस, तो यू कैन ईजिली फ्रेम योर क्वेश्चन ऑन द गो ओवर देयर, फ्रेम योर आंसर सॉरी। अच्छा जी, ये जवेरिया है, शी इज आस्किंग टू हाउ टू मेक routine for CSS. देखिए everybody has a different learning style. मतलब it's not necessary कि जो मेरा learning style था या वो था, some people like to study मतलब in total silence, some people like to study at night, some people are I'll come to your question after this. तो मतलब it does not depend कि आपका वो learning style किस तरह है, some people are better at writing, some people are matlab the routine is just that at the start of matlab ek farzi routine ho sakta hai ki at the start of the day you should read the newspaper, don't go into every little thing but try to read some major headlines aur ek do editorials jo hai major wo padh le, fir uske baad during the day matlab main to ye karta tha ki every day I used to concentrate on one subject as a whole. तो एंड ऑब्वियसली जो फोकस आप उन सब्जेक्ट्स पर करें इन विच यू फील के यू आर वीकर, तो उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें एंड ट्राई टू ब्रेक इट अप, डोंट कीप डूइंग वन सब्जेक्ट एवरी डे चेंज अप द सब्जेक्ट्स। एंड स्पेसिफिकली फॉर द इंग्लिश एसे आई डू रिकमेंड कि यू मस्ट राइट एटलीस्ट 3 to 5 एसेज, यू मस्ट राइट दम एंड यू मस्ट गेट दम ग्रेडेड बाय समबडी, जो आपका समबडी वन ऑफ योर टीचर्स वन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स, यू मस्ट गेट इट ग्रेडेड। एंड 5 essays लिखने के बाद then just concentrate on the outlines, के जो आपको जो paper मिलता है English essay का, तो first of all you must brainstorm, और brainstorm करके you must make an outline, तो वो जो brainstorming और outlining है अगर वो आपकी ठीक है तो writing the essay, अगर आपकी obviously you're all graduates तो आपकी English तो ठीक होगी, तो writing the essays after that is not very difficult, it's all about how you structure the outline, क्योंकि the outline will decide your essay structure, आप किस तरह चीजों में जाएंगे, फिर आगे ऑब्वियसली देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट, तो लॉजिकल फ्लो बनता जाता है। तो द आउटलाइन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग डू प्रैक्टिस दैट अ लॉट, क्योंकि आप मतलब साइकोलॉजिकल ट्रिक इज व्हेन यू सिट इन द सीएसएस एग्जाम फाइनली, तो आप अज्यूम कर लें कि जो आपके लेफ्ट और राइट बैठे हुए दे हैव ऑलरेडी फेल्ड द एग्जाम, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पीपल दे फेल इन द सीएसएस एसे ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा चलें जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन अबाउट द रूटीन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पार्क फेयर्स में कुछ समझ नहीं आता कैसे मैं स्टार्ट करूं, पार्क फेयर्स में यू नीड सम हेल्प विद पार्क फेयर्स। अच्छा पार्क फेयर्स में जी एक मशहूर एक सीएसएस अफसर थे हमारे पीएसपी, उनका नाम है अथर इस्माइल, ये एक्चुअली मेड अ बंच ऑफ हैंड रिटन नोट्स अबाउट पार्क स्टडीज।
तो आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज ट्राई टू ग्रैब दैट बुक, ग्रैब दैट, इट्स अ रिटन, मतलब एक रिटन फोटोकॉपी की छोटी सी एक कॉपी है. तो व्हाट यू शुड डू इज अथर इस्माइल की वो रीड दैट फॉर द ऑब्जेक्टिव, जस्ट डू द 5 to 10 ईयर पेपर्स. और मतलब बाकी आप अखबार पढ़ेंगे तो यू विल गेट द करंट अफेयर्स पार्ट. तो आई थिंक दैट इज सफिशेंट के टू डू द पाक अफेयर्स बुक. बाकी उसमें इतनी पाक अफेयर्स में इतने कोई परेशान वाली बात तो नहीं है. मतलब यू मस्ट बी यू बीन रीडिंग पाक अफेयर्स थ्रू आउट योर लाइफ. तो मतलब बाकी एक दो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होते हैं और क्या कहते हैं एंड दी माइग्रेशन और सो पार्टीशन के क्वेश्चंस होते हैं. तो इट्स नॉट दैट द पाक स्टडीज इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ सब्जेक्ट मेरे ख्याल से. जस्ट गेट दिस बुक द अदर इस्माइल बुक, तो यू विल बी फाइन. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है. बट मैथ वगैरह है इस पे तो टाइम लगता है. जीएसए क्या है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट. जनरल साइंस जी एंड मारिया एबिलिटी. मारिया जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी. जनरल साइंस एबिलिटी. अच्छा तो ये वो बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चंस हैं, कंपैरिजन वाले और इस तरह के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सर इसमें जो है वो टाइम लगता है. आपने कहा कि स्मार्ट वर्क को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दें, मतलब वो करें, हार्ड वर्किंग में जो है वो ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं. देखिए अब मेरे टाइम तो जनरल साइंटिफिक एबिलिटी नहीं थी, लेकिन आई वुड अज्यूम कि जो जनरल मैथ्स क्वेश्चंस हैं दे आर लाइक दी ये जीआरई और जीमैट टाइप क्वेश्चंस होते हैं. सर ये एबिलिटी के होते हैं, इसमें ज्योमेट्री और ये सारी चीजें आ जाती है, अच्छा तो इसमें तुम अलजेब्रा. अच्छा अलजेब्रा वगैरह. सो आई मतलब डू यू हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड. नो सर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बोरिंग है ये. अच्छा ठीक है बिल्कुल. ऐसा मैं खुद तो बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आई नो कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. मेरे ओपिनियन में आप लोग ये करें कि वो आती है, आपको पता होगा कि ये नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या गैट इसे कहते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या कोई जीआरई की बैरेंस की बुक होती है. तो उसमें आप यू कैन जस्ट पिक दैट अप एंड जस्ट सिंपली डू द मैथ्स क्वेश्चंस इन दैट. वो बेसिक मैथ्स होती है, जो 10th क्लास तक की मैथ्स होती है उसको वो टेस्ट कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं टेस्ट कर रहे थे. तो आई थिंक के ऑब्वियसली मैथ्स वाले क्वेश्चंस में ये है कि लेकिन देर आर ट्रिक्स टू डू इट. देखें जो मैथ्स क्वेश्चंस आते हैं दे आर नेवर, इफ इफ द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जो होते हैं ना मैथ्स क्वेश्चंस, दे आर नेवर डिजाइंड कि आप उनको फुली तौर पे सॉल्व करें. इट्स मोर ऑफ अ कंपैरिजन और देर आर ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर ऑल दीज मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो आपको करने होते हैं. तो इफ यू आर फेमिलियर विद दोस टिप्स एंड ट्रिक्स, तो डूइंग मेनी क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल. मैं आपको मतलब दिस लेक्चर इज टू शॉर्ट टू बेसिकली एक्सप्लेन हाउ यू गो अबाउट इट. लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज टू इक्वेशंस, यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नंबर एट बोथ साइड्स, विच सिंपलीफाइज द एप्लीके मतलब बोथ साइड्स, देन यू कैन कट बोथ साइड्स, एंड आपको एक इवेंचुअली एक ऐसी सिंपलीफाइड एल्जेब्रिक इक्वेशन आती है जिसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है. तो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट के मतलब यू जस्ट पिक अप एनी बुक, ये नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट या NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो होती है वो कोई सी बुक उठा लें, या बैरन्स की GRE या प्रिंसटन की GRE की बुक उठा लें, और उसका बस जो बेसिक मैथ्स वाला सेक्शन है वो करें. डोंट डू ऑल ऑफ द, बिकॉज आई डोंट नॉट रिकमेंडिंग कि आप सारी GRE की तैयारी करें या सारी उसकी करें. जस्ट डू द जस्ट हैव लुक एट द बेसिक मैथ्स पोर्शन ऑफ इट. और दिस इज ऑल्सो 10th 10th लेवल तक की मैथ्स होती है, इससे अबव नहीं होती. तो मतलब इट्स ज्योमेट्री सेम, मतलब हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, हाउ टू फाइंड सर्कमफ्रेंस, उसकी आपस में रिलेशन, एरिया मतलब ट्राइंगल, मतलब इट्स क्वाइट, इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, इट्स नॉट दैट इतनी वो, मतलब ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको सर पे सवार कर लेना चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया. तो मतलब गुड लक विद दैट. इन एनी वे मतलब इफ यू फील एनी डिफिकल्टीज तो सर्टनली यू कैन आस्क मी अबाउट इट अगेन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर ले सर. जी मेरे दो क्वेश्चंस हैं. नंबर वन कि सर हमें हमें ऑप्शनल्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए जो मतलब हम कंफर्टेबली अपने कंपलसरीज के साथ उसको मतलब साथ प्रिपेयर कर सकें. और दूसरा सर कि ना एक इस्लामिया और कंपोजिशन में इस साल बहुत बच्चे फेल हुए हैं, तो सर हम इन दोनों को कैसे प्रिपेयर करें और कैसे टाइम दें कि हम इसमें एटलीस्ट पास हो जाएं. जी कंपोजिशन की जो मैंने बात की है वो तो सिंपली पुट यही है कि
what you have to do is composition ke andar ke practice writing. And first, I said ke write at least 5 essays and get them graded. And matlab maine jab apna pehla essay likha tha, to I got a 0 on it. My instructor gave me a 0 on it. So uske baad matlab I improved and every time and matlab end pe I was scoring above 60s and even 70s. So point ye hai ke you have to practice writing for the essays. Kyunki the essay will decide ki aap pass hoti ya nahi hoti. To dusra ye hai ke after you've done 5 essays and written them, the second part you should do is ke start making outlines. Theek hai, and outlines mein matlab you must be time conditions mein कोशिश करें कि विद इन 45 मिनट्स टू अबाउट एन आवर एट मैक्स आप आउटलाइन और आउटलाइन स्ट्रक्चर करना आप कर लें प्रैक्टिस. तो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट बस फिर आउटलाइन बस जस्ट डू कीप डूइंग आउटलाइंस वन बाय वन तो कंपोजिशन आपका पास हो जाएगा. अच्छा ये जो है ना फेल करने वाली बात है दरअसल इसमें बात यह है कि आपके जो सी एस एस है ना इट्स नॉट अ फेयर एग्जाम. एवरी ईयर ये कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को फेल कर देते हैं क्यों वो बेसिकली ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं तो और वो ट्रेंड्स को देख के ना किसी एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उसमें ना सबको उड़ा देते हैं. ये जब आप सी एस पी बन जाएंगे तो उसके बाद भी यू विल सी के एफ पी एस सी जब आपने फाइनल पासिंग आउट एग्जाम लेता है उसमें भी वो एक ऐसा सब्जेक्ट उठाता है उसमें ना सबको बेसिकली इट फेल्स एवरीबॉडी इन दो सब्जेक्ट्स. तो पॉइंट ये है कि इट मेक्स आपने इस तरह नहीं सोचना कि पता नहीं पिछले साल फेल हो गए तो फिर क्या पिछले साल के इस्लामिया में फेल हो गए तो इस साल जरूर वो कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें लोगों को फेल करना है. पॉइंट ये है कि यू हैव टू आपने तैयारी इस तरह करनी है नॉट बाई थिंकिंग ऑफ दी कि उधर पैटर्न्स क्या चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाना है. आपने वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपको यू फील के कंपेयर टू द अदर पीपल ओवर देयर आप उनसे बेहतर कर सकते हैं. यू मस्ट ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन द फैक्ट के बिकॉज द चेकर विल ग्रेड यू बाई लुकिंग एट द अदर शीट्स जो बाकी हैं तो यू हैव टू बी बेटर देन द पीपल टेकिंग दैट एग्जाम. तो इस तरह से दैट इज हाउ यू हैव टू सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स. नेवर सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन ट्रेंड्स या बेसिकली समथिंग यू डोंट लाइक तो फिर आप उसे सिलेक्ट करें. सिलेक्ट थिंग्स इन विच यू आर बेटर देन द अदर पर्सन टेकिंग द एग्जाम्स. मेरी ये एडवाइस है. बाकी ऑब्वियसली मतलब इट्स अप टू यू फाइनली आप क्या करना चाहते हैं लेकिन दिस इज माई एडवाइस अबाउट इट. जी सर इंडो मेरे पर्सनली पाकिस्तान स्टडीज में मेरी मास्टर्स है मेरा अभी फाइनल सेमेस्टर है. सो सर है ना सर मुझे मैं इतना कंफर्टेबल भी नहीं हूँ इंडो पाक हिस्ट्री में और ये इतना स्कोरिंग भी नहीं है कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत सारे टीचर्स यही गाइड करते हैं कि इंडो पाक नहीं लेना चाहिए कोई मतलब यूएस हिस्ट्री लेना चाहिए. तो सर व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए. बात यह है अल्टीमेट डिसीजन इज योर्स कि आप क्या करना चाहती हैं और क्या नहीं करना चाहती. मेरे मैं अपना आई कैन ओनली गिव एन ओपिनियन अबाउट व्हाट आई थिंक शुड बी डन. मेरे ओपिनियन में ये है कि यू ऑल शुड ऑलवेज डू थिंग्स जो मतलब मेरी बारी जो टॉपर थी खातून शी टुक मतलब वेरी सब्जेक्ट इन विच वेरी फ्यू पीपल टेक इट. शी टुक उर्दू लिटरेचर बट शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर सो शी डिड सो मच बेटर देन द अदर पीपल that year. और मतलब हम लोग जो थे we all took Arabic because thinking के वो scoring subject होगा but that year they मतलब totally ruined us in Arabic. तो point here being कि you must मतलब play to your strengths. तो if you play to your strengths तो you will end up better than don't follow these trends do what you're good at and do it better than the other candidates. तो फिर you will I think you will succeed. And don't be, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि we get carried away by what people say, what our friends are saying, what the instructors are saying. But you should follow your own, मतलब your own conscience will tell you what you have to do. And your own mind will tell you what you have to do. So do that, मेरे अपने. अच्छा, I have this, Maria still has her hand up. Do you want to ask anything? यस सर मैंने ऑब्जेक्टिव्स का पूछना था कि इस तरह एमसीक्यूज के क्वेश्चंस दिए होते हैं जैसे लाइक एबीसी में कोई भी नंबर दे देंगे सी या एम या कोई भी
और बोलेंगे कि उल्टा काउंट करके इनकी जो है वो इनका नंबर बताएं कि 14 नंबर पे आ रहा है ये वर्ड या फिर 15 पे, तो इनको जो है वो एक मिनट में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि ए बी सी को काउंट करना, फिर उल्टा उनकी नंबरिंग याद करना, फिर इस तरह करके मतलब इनकी ट्रिक्स बताएं कि हम गैसिंग पे चलेंगे ना, कि मतलब कोई भी तुक्का ही लगेगा ना, फिर ये मतलब ये है कि आप ना, आपको obviously they'll give you a book, एक कॉपी देंगी ना शुरू में आपको जिसपे लिखना होता है, तो आप ये करें कि उस कॉपी पे जो इस तरह के नंबर्स है ना विद ऊपर लेटर्स और नंबर्स करके पहले से रख दें। इट्स अ बेसिक आईक्यू ट्रिक। आपको एक टाइम मिलेगा, यू विल गेट एन आंसर शीट, आप आंसर शीट पे पहले से लेटर्स और उसके ऊपर नंबर्स जो है पहले से लिख लें, ताकि सर वैल्यूज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे अली की वैल्यू इतनी है, उनकी एज इतनी है और उनके भाई की इतनी है, इस तरह करके मतलब कंफ्यूजन होता है, तो सिंपलीफाई करने में टाइम लग जाता है। नहीं, सिंपलीफाई करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इट्स अ बेसिक आईक्यू क्वेश्चन, इट्स अ बेसिक आईक्यू क्वेश्चन। इस तरह नहीं, मतलब आप जब उसको इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, यू विल फाइंड अ पैटर्न विद इन दोस नंबर्स। मतलब इट्स नेवर, याद रखें कभी भी आईक्यू क्वेश्चन इज नॉट सपोज टू बी डन थ्रू ब्रूट फोर्स। If you are trying to do it through brute force, तो मतलब you will take more than 1 minute. There is always a pattern. वो pattern आपने, you once you try solving it, you will find that pattern. I've taken multiple IQ tests, so the test is never designed. आपने कभी भी उसको brute force के through solve नहीं करना. You have to find a pattern within those questions. तो I can only suggest कि आप उसमें practice करें, तो you will find the pattern if you start practicing. जी Nimra is asking, जी please पूछें question. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक दिन में हम एक सब्जेक्ट को फोकस करें या पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें फिर दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करें? मेरी ये सजेशन है कि आप उस तक सब्जेक्ट पढ़ें जब तक वो आपको, जब वो आपको बोर करने लगे तो शिफ्ट टू अनदर सब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं है कि आप, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने वो खत्म ही करना है। हर सब्जेक्ट की आपकी एक सैचुरेशन अब्सॉर्प्शन लेवल होती है। फॉर एग्जांपल एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू विल गिव अप। उसके बाद एट सर्टेन पॉइंट टाइम यू विल लाइक टू डू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मतलब ब्रेन की कैपेसिटी और ब्रेन की अब्सॉर्प्शन पावर जो है वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट टाइम्स। कभी आपको एनालिटिकल डाटा चीजें अच्छी लगेंगी, कभी यू विल लाइक टू राइट एसेज। तो एट डिफरेंट टाइम ट्राई टू मिक्स एंड मैच इट अप ताकि यू आर, योर ब्रेन रिमेन्स फ्रेश, वरना ऑब्वियसली एट सर्टेन पॉइंट टाइम अब्सॉर्प्शन आपकी खत्म हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड विद इट। देन लेट मी स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द चैट एज वेल, देयर इज प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, अली इज आस्किंग कि कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट एनी प्रोडक्टिव टेक्निक अबाउट प्रेजेंटिंग आंसर्स इन द पेपर टू बी मोर रेलेवेंट। मतलब क्वेश्चन, मतलब प्रेजेंट टेक्निक तो वही है कि बेसिकली ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, ट्राई टू गिव हेडिंग्स एंड ईच में एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस। मतलब ये एक ब्रॉड आउटलाइन होती है किसी भी क्वेश्चन की, मतलब इंट्रोडक्शन एंड ट्राई टू मेक। एंड दूसरी बात यह है कि मेरी एडवाइस है कि दो क्वेश्चन जो आपको अच्छे आते हैं वो पहले करें। दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फॉर एग्जांपल अगर पहला जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है यू फिनिश इट इन अबाउट 20 मिनट्स, तो पहले क्वेश्चन को 40 मिनट्स दें, फिर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गिव 30 मिनट्स टू इट। कभी ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है तो उसको इतना ज्यादा लिख लें कि आपके पास आखिर में यू आर जस्ट राइटिंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर 15 मिनट्स। नहीं, यू हैव टू टाइम योरसेल्फ टू गिव हाफ एन आवर टू ईच क्वेश्चन, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वैल्यू। तो इसका मतलब है कि द टाइम शुड बी आल्सो डिवाइडेड इन दैट सेम मैनर। तो जस्ट बाकी मतलब लर्न कोट्स, उनको क्या कहते हैं, प्लीज हाईलाइट देम, और बस मतलब बाकी तो कुछ नहीं है। हैव गुड हैंड राइट, ट्राई टू बी प्रेजेंटेबल। जो मतलब राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता पेपर होते होते राइटिंग खराब होती जाती है, कोशिश करेंगे जो पहले दो क्वेश्चन है उसने, क्योंकि जो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज मेड इन द फर्स्ट टू क्वेश्चन, तो आफ्टर द इम्प्रेशन इज मेड फिर आगे फिर ऑब्वियसली दैट कैरीज थ्रू। तो अगर आपके पहले दो क्वेश्चन का इम्प्रेशन खराब होगा तो आप अगले वाले अच्छे भी करेंगे, दैट इज हार्ड टू रिकवर इन द एग्जामिनर्स आइज। लेकिन अगर शुरू के इफ यू डू वेल तो आगे वाले अच्छे नहीं भी होंगे तो बुरे हो जाएंगे। अच्छा जी, जवेरिया इज आस्किंग अबाउट अथर इस्माइल। जी अथर इस्माइल 36th या 35th पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हैं, सीनियर हमारे, उनके नोट्स वर द वंस आई यूज्ड फॉर पाक स्टडीज। अच्छा, आवाज का तो मैं कुछ नहीं कर सकता नाजिर, आई डोंट नो। अच्छा, सईदा राशदी इज आस्किंग ग्रुप फोर में इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर इजी है या फिर हिस्ट्री ऑफ यूएस है? मुझे तो क्या कहते हैं, यूएस हिस्ट्री ज्यादा आसान लगती है, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग यूएस हिस्ट्री।
यू शुड टेक दैट सब्जेक्ट इन विच यू जो आप फॉन्ड हैं उसके बारे में पढ़ने के बारे में दैट इज द सब्जेक्ट यू शुड टेक. इफ यू लाइक यूएस हिस्ट्री मोर देन टेक दैट एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री मोर टेक दैट. अच्छा करंट अफेयर्स करंट मंथ या तो फिर हाउ मच मंथ्स बिगिन टू करंट अफेयर्स इज बेसिकली अबाउट नॉलेज जो विच यू गेन. इट शोज कि आप करंटली किस चीज के बारे में अप टू डेट हैं या नहीं या एज अ सीएसएस कैंडिडेट आप डू यू फॉलो द न्यूज और नॉट. तो इट्स अबाउट के ऑब्वियसली आप अगर लेटेस्ट न्यूज में डालना चाहें तो द एग्जामिनर विल नॉट पेनलाइज यू फॉर इट. मतलब आप सर्टनली जो उस दिन की खबर है या उस हफ्ते की भी खबर है वो भी मैंशन कर सकते हैं. इट डजेंट मैटर. तो बस इसमें पॉइंट ये है कि यू मस्ट कंटिन्यू रीडिंग दोज न्यूज एंड हैव अ स्ट्रेटेजिक व्यू. ऑफन आंसरिंग अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन यू मस्ट टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक एंड देन टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल थिंग्स एंड देन ड्रॉ योर रिकमेंडेशंस फ्रॉम इट. ठीक है तो स्ट्रेटेजिक लेवल इज लार्ज स्केल लेवल राइट ग्लोबल लेवल पे. फिर उसके बाद आप यू स्टार्ट ड्रिलिंग इन टूवर्ड्स माइक्रो लेवल इशूज. फिर माइक्रो लेवल इशूज पे यू डू अ टैक्टिकल या ऑपरेशनल एनालिसिस एंड आफ्टर दैट यू ड्राइव द रिकमेंडेशंस. So that is how I would suggest about current affairs. Achha. IQ ki books, to, there are countless IQ books. Matlab you can, ye jo aksar uski aati hain, jo army ki aati hain, uske andar IQ, uske andar betasha books hoti hain, ISSB wali. Wo wali aap practice kar sakti hain. मतलब मेरे टाइम पे तो आईक्यू था ही नहीं इतना ज्यादा. एनालिटिकल के लिए एनालिटिकली ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड यू डू द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग सर्विस. तो आई थिंक दैट विल इजीली सॉल्व योर एनालिटिकल क्वेश्चंस एज वेल. एक और बुक है एनालिटिकल की आई डोंट नो मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस किस तरह होते हैं. उस तरह की तो नहीं होता है कि जो क्यूज में होता है कि इस क्यू में इसको आगे कर दो इस पीछे कर दो तो क्या होगा. अगर उस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आई वुड रिकमेंड देयर इज अ बुक कॉल्ड GRE बिग बुक. उसमें एनालिटिकल सेक्शन बहुत अच्छा होता है इफ यू वांट टू लुक एट इट. अच्छा जी चलें बैक गोइंग बैक टू द हैंड्स. जी निम्रा प्लीज पूछें. या जवेरिया बोथ ऑफ यू हैव योर हैंड्स अप. सर जैसे आपने कहा कि यू आर गुड एट यूएस हिस्ट्री सो सर हम अपनी यूएस हिस्ट्री मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे सर ये ओवरलैप करता है करंट अफेयर्स को भी और जर्नली सो सर हम कैसे इम्प्रूव करें. यूएस हिस्ट्री का कोई इतना मुश्किल तो है नहीं. 20-25 प्रेसिडेंट्स हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है. बाकी जो करंट प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ट्रंप बाइडन और ओबामा के बारे में. बाकी मतलब चंद ही मेजर इवेंट्स हैं यूएस हिस्ट्री के बारे में जिनको आपको बताऊं और चंद ही मेजर प्रेसिडेंट्स हैं जिनको क्रिटिकली मतलब हिस्ट्री उन्हें बहुत ज्यादा जज करती है. मतलब फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट थियोडोर रूज़वेल्ट वाशिंगटन जेफरसन रेवोल्यूशनरी वॉर सिविल वॉर लिंकन. मतलब दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो हर दफा पूछे जाते हैं. ट्रस्ट बस्टिंग मतलब ट्रस्ट बर्स्टिंग अंडर थियोडोर रूज़वेल्ट ग्रेट डिप्रेशन अंडर हर्बर्ट वो जो था हर्बर्ट हूवर. फिर हाउ दे गॉट आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन यूजिंग FDR स्कीम्स जो उसकी थी. उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह गई वर्ल्ड वॉर 1 वुड्रो विल्सन का क्या था रोल. मतलब देयर इज हार्डली मतलब इफ यू हैव अ लुक एंड कोल्ड वॉर के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं. मतलब अगर आप इफ यू आस्क मी यूएस हिस्ट्री इज हार्डली 20-21 क्वेश्चन जो आपको तैयार करने होते हैं. तो मतलब सर ये कहाँ से पढ़ने चाहिए कोई एक बुक अगर आप सजेस्ट करें. मुझे अभी बुक करा मतलब बुक्स मैंने एक ही चूज की थी. आई इन फैक्ट टुक यूएस हिस्ट्री इन माय सीएसएस. मुझे एक्जेक्टली कांट रिमेंबर. आई थिंक इट वाज माजुमदार की दो बुक्स होती हैं एक रेड और एक क्या कहते हैं ब्लू. इफ आई रिमेंबर यूएस हिस्ट्री बाय माजुमदार बेसिकली वाज द बुक जो मैंने स्टडी की थी फॉर माय सीएसएस. जी सर. एंड सर मैं दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर मेरी अभी ग्रेजुएशन में बस थीसिस और लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं. तो सर मैं नेक्स्ट ईयर 2023 का अटेम्प्ट देना चाहती हूँ. तो सर मैं अपनी रूटीन को कैसे मतलब और किस तरह से प्रेप करूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए. देखिए मतलब जो मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप ऑब्वियसली आप प्रेफर अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मतलब ऐसी बात नहीं है आप सीएसएस के पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुक्स मतलब डाटा गैदरिंग कर सकते हैं फाइंड एन एनवायरनमेंट वेयर यू कैन स्टडी. कुछ लोग हर बंदे का डिफरेंट होता है. सम पीपल स्टडी एट होम बेटर सम पीपल्स गो टू द लाइब्रेरी एंड स्पेंड टाइम ओवर देयर. एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सपोर्ट नेटवर्क बना लें.
जो बेसिकली एक दूसरे को सपोर्ट करे, और ऑब्वियसली कोई भी, बिकॉज इट्स अ मैं जिस तरह बात की, इट्स ऑलवेज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ मतलब इट्स ऑल इन योर हेड. तो बात ये है कि यू मस्ट हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट करें ड्यूरिंग द सीएसएस. और ऑब्वियसली फैमिली को भी, मतलब फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है कि बेसिकली, क्योंकि यू आर टेकिंग अ ईयर ऑफ. लेकिन आई वुड लाइक टू मतलब टेल ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स के बेसिकली बात ये है कि सीएसएस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. CSS is मतलब it's just an exam, but you should not judge your life or your ability to succeed or ability to fail. मतलब your life does not is not revolved around CSS. CSS is just an exam, and it's just an exam for a job. And you take it and you get through. बहुत अच्छा. If you don't get through, कोई ऐसी बात नहीं होती. You all have immense talent and immense ability and immense potential to do. Some of the greatest people in the world are not CSS, the candidates are not CSPs. But even the people in CSS who have done great things have done it outside the CSS, after leaving service. So I would like to say, take the exam and do try, but never think that if you don't clear it, so it's a reflection on your own self, on your own ability. क्योंकि इट्स इसमें बहुत सारे ऐसी बात है. आई हैव सीन पीपल हु टॉप द एग्जाम, उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था एंड दे फेल्ड इट द सेकंड अटेम्प्ट. द सीएसएस इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम. मतलब आई पास द एग्जाम बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि इफ आई वर टू गिव इट नेक्स्ट ईयर तो आई वुड पास इट, क्योंकि इट हैज लॉट ऑफ देयर इज अ ह्यूज लक फैक्टर इन्वॉल्वड इन द सीएसएस. तो इस वजह से आपको सीएसएस शुड नॉट बी टेकन एज कमेंट्री ऑन योर ओन एबिलिटी or on your own potential. There are many things you can do outside the CSS as well. And so just take the exam, but if you get through, very well. And if you don't get through, so don't hold it against yourself. This is my strong advice to everybody. Ji, Javeria, you still want to ask a question? No, sir. Main sir, ye hand... Achha, ye... Okay, okay, okay. ठीक है, ओके जी. शहरोज प्लीज गो अहेड. शहरोज यू हैव योर हैंड अप. सर थैंक यू, आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया. बट सर आई फील जैसा मेरी बैकग्राउंड है या जैसा मतलब जैसी मेरी डिग्री है, सो आई डोंट फील के सीएसएस के अलावा मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. सो इसलिए मैं बहुत अपना 100% देके और क्वालिफाई करना चाहती हूँ. नहीं नहीं, मैं ऑब्वियसली आई नेवर, मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि अपना 100% ना दे और एफर्ट ना लगाए. ऑब्वियसली आई सजेस्ट कि आप पूरी एफर्ट करें एंड डू टेक इट सीरियसली, बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज, मतलब इट रिक्वायर्स ऑब्वियसली अपनी जिंदगी के आप एक साल तो इसमें लग ही जाते हैं ना. मतलब आप कुछ पास हो या ना हो, वो फिर भी आपको एक साल तो वैसे ही लगा देते हैं सीएसएस. और तो इस वजह से मतलब ऑब्वियसली मतलब एज यू गेट ओल्डर यू रियलाइज के ईयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. तो इफ यू तो इवन इवन इफ यू डू इन्वेस्ट इवन इफ यू डू इन्वेस्ट इट तो डू इट वेल. मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर डूइंग इट वेल, क्योंकि सीएसएस एक इस तरह का एग्जाम है जिसमें यू मस्ट बी अवेयर कि मतलब इट्स 2-3% इसका पास रेट है. इसका मतलब है 97% ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट गेट थ्रू. तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो 97% जो हु वरंट एबल टू गेट थ्रू कि उनके ऊपर कोई इट्स अ बैड कमेंट्री ऑन देम. तो मुझे याद है कि मैंने जब अपना सीएसएस दिया था तो मेरे साथ एक बंदा था एंड आई कुड टेल कि ही वाज गोइंग टू फेल द एग्जाम बिकॉज हिज इंग्लिश लेवल वाज नॉट अप टू द मार्क. लेकिन उसने अपने सर पे इतना सवार कर लिया सीएसएस के एंड ही फेल्ड ट्वाइस एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू टेक द थर्ड एग्जाम ही हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन. तो उस मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से ही वाज मतलब वो बिल्कुल ही फैमिली के लिए भी यूजलेस हो गया. मतलब उसको समझ ही नहीं आता था. तो मैं आपको इस वजह से कहना ये चाहता हूँ कि ठीक है सीएसएस आप करें, और सीएसएस को एज विद एवरीथिंग एनीथिंग यू ट्राई इन लाइफ यू गिव अ गुड अटेम्प्ट टू इट. लेकिन इट डज नॉट मीन के यू कि आप उस सी एस एस को अपने सर पे ऐसा सवार कर लें कि आप सब ग्रेजुएट्स हैं. यू आर ऑब्वियसली यू विल हैव अदर ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल आपने पास्ट स्टडीज की हैं, यू कैन ऑब्वियसली डू मेनी अदर थिंग्स. यू कैन बिकम अ रिसर्चर, यू कैन बिकम एन एनालिस्ट, यू कैन
बिकम आप मेंबर ऑफ अ थिंक टैंक. तो इस तरह नहीं है कि मतलब आप अगर समझ नहीं है कि पार्क स्टडीज जस्ट हैज एंडेड एवरीथिंग, इट डज नॉट वर्क दैट वे. मतलब देर आर मेनी थिंग्स टू डू एंड मेनी थिंग्स टू डू बियॉन्ड इट इफ फॉर एग्जाम्पल यू डोंट पास इट. आई एम सॉरी, देर वॉज अ क्वेश्चन बींग आस्क्ड बाय रमशा जी, प्लीज गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी मेरे वालेकुम पास ये सलाम. क्वेश्चन है कि मैं अभी बिल्कुल नई हूँ म्यूजिक, मुझे 15 डेज हुए हैं स्टार्ट किए हुए प्रिपरेशन सीएसएस की. तो सर मैं जी अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट अभी जो होगा, तो सर उसके लिए कहाँ से प्रिपरेशन करें और क्या करूँ मतलब? मैंने तो आपको आई हैव टोल्ड यू कि आप ये करें कि पिछले जो 5 ईयर पेपर्स हैं वो ले लें, कोई आईक्यू टेस्ट की एक बुक उठा लें, उसके अलावा इफ यू वांट तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक उठा लें, तो दैट शुड बी मोर देन इनफ. जी, फिर दोबारा पूछना क्वेश्चन. जी जी सर, ये सर जैसे मैं स्टार्ट, मैंने जो प्रिपरेशन की लाइक पाकिस्तान अफेयर्स से की है एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच लाइक मुगल पीरियड एंड ऑल दैट, तो सर मींस मैं इस तरह से लेके चलूँ या जो है क्वेश्चंस जो है जो पास पेपर्स मैं उनको लूँ और रेंडमली और उन्हें देखूँ, मतलब क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, आप एक ओवरऑल हिस्ट्री का बेसिकली नैरेटिव खींचेंगे ना, मतलब यू विल सी के मुगल हिस्ट्री दिस 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 दिस, फिर यू विल लुक एट दी क्वेश्चंस के बेसिकली जो हैव लुक एट दी फिलिंग द ब्लैंक्स के बेसिकली ये वाला क्वेश्चन था, ये इस पार्ट के बारे में था, ये शाह वली उल्लाह के बारे में था, ये उस तरह, तो यू विल गेट अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज के बेसिक जो जरा आपने फोकस रखना है वो किधर रखना है, फिर आप उसको फोकस करके स्टडी करें. बिकॉज देर आर सर्टन क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं, दे मतलब दे जस्ट चेंज इट अ बिट, लेकिन वो रिपीट होंगे. तो हैव गुड स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज इन द सीएसएस इज टू गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, फिर पास्ट पेपर्स के बाद यू फॉर्म क्लस्टर्स के आपने किधर अपना फोकस बनाना है. तो दैट इज हाउ आई वुड स्टार्ट इन योर सिचुएशन. अच्छा जी, शाहरोज इज आस्किंग इफ नोट्स बनाने जरूरी हैं. जी बिल्कुल, नोट्स बनाने जरूरी हैं. मतलब अगर आप जिन सब्जेक्ट्स में यू फील के यू नीड नोट्स टू स्टडी फ्रॉम देम ऑब्वियसली, लेकिन कुछ पे नोट्स बने बनाए आते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम. इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग स्टाइल, क्या मतलब आर यू डू यू वॉन्ट टू स्टडी दैट वे और दैट वे. तो सम पीपल आर वेरी गुड एट राइटिंग डाउन थिंग्स और फिर ही नहीं याद होती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग स्टाइल मेरे ख्याल से ना. नहीं भी हुआ तो इंसान काबिल बन जाता है. जी, बिल्कुल ऐसा है कि जो सी एस एस में लोग रह जाते हैं उसमें मेरा अवल तो सी एस एस की 3 अटेम्प्ट है, लेकिन सी एस एस के अटेम्प्ट के बाद बेतहाशा और जॉब्स हैं. आईबी की जॉब्स होती हैं, एफपीएससी कंटिन्यूसली गवर्नमेंट पोजिशन ऑफर कर रहा होता है, उसके अलावा आप चाहें तो देर आर काउंटलेस 17 ग्रेड पोजिशन जो लोग एंटर होते हैं और वो दे एंड अप एज मतलब सी एस एस इज वन स्ट्रीम ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, लेकिन आप अगर एफपीएससी वेबसाइट जाएंगे थ्रू आउट द ईयर दे आर ऑफरिंग वो, और जो आपके पास नॉलेज बेस बिल्ड हो जाता है सी एस एस से उससे यू कैन सर्टली यूज दैट टू गेट इन टू मेनी अदर जॉब्स, नेस्कॉम, पियास, जो आपकी मतलब और भी तमाम ये डिपार्टमेंट्स जो हैं दे नीड पीपल आउटसाइड सी एस एस एज वेल. मतलब गवर्नमेंट इज अ ह्यूज एम्प्लॉयर, तो इस तरह नहीं है कि योर नॉलेज इन द सी एस एस इज गॉन टू वेस्ट, यू कैन यूटिलाइज इट फॉर अदर थिंग्स एज वेल. मैं मेरे पास आई एम सॉरी अथर इस्माइल के नोट्स नहीं है, मैंने सी एस एस जब दिया था उस पास आई जस्ट गॉट अ पेपर बुक और ऑब्वियसली कहीं से फोटो कॉपी करा के जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह जाके कराई थी. तो इस तरह दैट्स हाउ आई डिड इट. जी रामशा, यू हैव अ क्वेश्चन अगेन प्लीज. जी सर, मैं ये पूछ रही थी जैसे इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सर लाइक कि मैं किस तरह स्टार्ट करूँ? मैंने सुना है कि पहले जब तक आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन ना हो जाए आप नहीं लिख सकते, तो मैं रैंडमली कुछ लिखना स्टार्ट कर दूँ, मतलब क्या किस तरह से करूँ ऐसे की नहीं प्रिपरेशन? इस तरह नहीं है, नहीं इस तरह नहीं है. देखें, अब इंग्लिश ऐसे के 2 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. इंग्लिश ऐसे का एक एक क्वेश्चन तो इज अबाउट इज अ फैक्ट बेस्ड ऐसे, और एक होता है एक ओपिनियन बेस्ड ऐसे. अ फैक्ट बेस्ड ऐसे इज समथिंग दैट यू जस्ट जिसके आपको फैक्ट्स पता है तो यू मोल्ड द फैक्ट्स टू राइट एन ऐसे. फॉर एग्जांपल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, द एनर्जी पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, दैट इज अ फैक्ट बेस्ड ऐसे. उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर वो नॉलेज है तो देन यू कैन राइट दैट ऐसे, राइट? उसके लिए सर्टनली यू नीड नॉलेज. लेकिन एक सर्टन मतलब हाफ हाफ स्प्लिट होता है ऐसे के अंदर, एक होता है हाफ होता है फैक्ट बेस्ड और हाफ ऐसे होते हैं आर्ग्यूमेंट बेस्ड. अब यू सर्टनली कैन बिल्ड योर ओन आर्ग्यूमेंट यूजिंग वट एवर लेवल ऑफ नॉलेज यू हैव. तो द पॉइंट इज कि जो उस तरह के क्वेश्चन है ना जिसमें
they are talking about argument based essays, you can certainly start practicing on them. Kyunki you do not, and I suggest ke bande ko should have some dono ka balance hona chahiye, because on the day of the CSS aapko nahi pata ki whether jo fact aapne jo facts yaad kiye wahi fact based essay aata hai ya nahi aata. You might have to do an argument based essay. And good argument based essay example is for example ballot versus the bullet. Ballot versus the bullet karne ke liye you need to matlab aap samjhe what ballot means and bullet means. Matlab it's basically talking about electoral legitimacy versus power. How you would mold that essay. So you can mold that essay using your own general knowledge. Matlab it does not require ki aapko bahut sari cheeze pata ho. So matlab a man is free but everywhere he is in chains. It's an argumentative essay. So matlab take a clear position. Science is a double-edged sword. Take a position. So on those questions, you can certainly take a position. So it doesn't matter ki aapke paas wo knowledge based hai ya nahi. Start doing the argumentative essays, and as your knowledge base builds, you can certainly shift towards the jaise kehte hai na, the fact based essays as well. So I hope that answers your question. I think I've answered everybody's questions. Baral, any case, or matlab baki, you must realize about the you must think about the fact ke have you ever thought about what the job entails, ya what is expected out of you. You must have clear goals, and you must try to be idealistic in the civil service, because civil service mein there will be many challenges, and many things will happen jo unexpected hai. Matlab it's a very hard job. It's not easy in any way. So be clear about what you want to do, and the opportunity to do great things in civil service is huge, and the temptations to do bad things in civil service is also huge. So it is basically a test of moral. Matlab with great power comes great responsibility wali baat hai ke you will have a lot of you will be tested in many ways in the civil service. So जी, सिविल सर्विस की सैलरी ज्यादा, प्लीज क्वेश्चन अबाउट द सिविल सर्विस सैलरी. सिविल सर्विस की सैलरी ज्यादा नहीं होती, बट दैट इज सिविल सर्विस में बेसिकली यू आर अवार्डेड इन काइंड. बेसिकली द गवर्नमेंट कवर्स फॉर यू बिकॉज दे फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू अकोमोडेशन, बट दे वोंट गिव यू क्या कहते हैं मनी. तो मतलब यू विल गेट एन अकोमोडेशन विच इज वर्थ विच विल मतलब वो वर्थ तो है उसकी ना. So same for they'll give you a vehicle. So you can't buy a vehicle, but they'll give you a vehicle on their own. So everything is built in kind, which I think is kind of unfair in matlab civil service ke andar, kyunki iska masla ye hota hai ki sabse bada jo aapke khilaf weapon hota hai wo aapka transfer hota hai, kyunki tamam perks aur privileges jo hote hain wo aapki posting se connected hote hain. To aapko jab bhi punish karna ho political bosses ne, to what they do is ke they post you out. To post you out hone se aapki salary to मतलब 17 ग्रेड ऑफिसर की सैलरी हर जगह एक ही है, इसी तरह 18 ग्रेड ऑफिसर की सैलरी हर जगह एक ही है. लेकिन अब द पर्क्स विद एसोसिएटेड विद सर्टेन पोस्टिंग्स इतनी ज्यादा होती हैं कि दैट अगर आप उसको मॉनेटरी वैल्यू लगाएं तो इट्स मच बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर. अच्छा जी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम मरियम. शी इज आस्किंग इट बिकम्स हॉरिफिक हाउ टू देखिए जी हाउ टू टैकल द फियर ऑफ फेलियर. अब देखिए इट्स ऑल अ माइंड गेम. मैंने आपको ये बात बताई है कि इट्स ऑल अ माइंड गेम. इट्स इज नेवर अबाउट कि आपको व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो. इट्स ऑल अ माइंड गेम. एंड देखिए दूसरी बात ये है कि कोई फर्क देखें जस्ट लाइक एन एग्जाम, इट डजंट मैटर कि आगे क्या होता है. और आपकी जो मेजर चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट लाइफ में, आपको उन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. योर जॉब नेवर डिफाइंस हु यू आर एज अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू फेल इन द CSS, तो व्हाट हैपेंस? The sun will still rise. You will still have your family. You will still have your friends. You will still have your true friends with you. So, baat ye ki, and you will still have entire life to achieve something else. So, it doesn't matter ki matlab what happens in the CSS. If you pass it, it's very good. Matlab aap yakeen karein ki many people in the CSS after joining it leave it because they feel ki jo unka life ka purpose hai, it does not match with it. तो आप इस बात के आगे ठीक है, इट्स एन एग्जाम फॉर अ जॉब. इट्स एन एग्जाम फॉर अ पब्लिक सेक्टर जॉब. और इसमें लोग आएंगे और बहुत सारे लोग मतलब अभी मेरे बैच से मेनी पीपल हैव लेफ्ट इट बिकॉज़ दे फेल्ट कि दे हैड समथिंग बेटर टू डू इन देयर लाइव्स.
तो नेवर मतलब यू मस्ट नॉट लेट द फियर ऑफ फेल मतलब नेवर लेट द फियर ऑफ फेलियर पैरालाइज यू मतलब जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ जब आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो उस वक्त इस तरह के पॉइंट्स आएंगे कि जब आप पहली दफा एग्जाम पेपर आपके हाथ में आएगा यू विल फील कि आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आता उसमें से बट दैट उस वक्त उस टाइम पे मतलब मुझे याद है मैं जब सीएसएस दे रहा था तो मेरे पास इस तरह के एग्जाम पेपर आया पीपल लिटरली स्टार्टेड क्राइंग इन द एग्जाम एंड दे लेफ्ट द एग्जाम मतलब छोड़ के चले गए कि ये हमसे नहीं होता बट आई थॉट आई सैट डाउन आई सेड यार व्हाट जो भी है वी हैव टू डू इट अब यही तीन घंटे हैं इसमें कुछ ना कुछ करना है तो जस्ट जब चीजें ब्लीक भी लग रही होती हैं यू हैव टू परसिवियर एंड एज आई सेड इट्स रिलेटिव उस टाइम पे जो बंदा पैनिक कर गया और बेसिकली पैनिक करके उठ के चला गया उसको तो फिर यू द एग्जामिनर एग्जामिनर को पता होता है कि उसने जो ये वाला इस साल पेपर आया है ये मुश्किल आया है बट ही ऑलवेज हैज टू ग्रेड यू रिलेटिव टू द अदर पर्सन अभी इफ यू डोंट राइट एनीथिंग तो ही कैंट गिव यू एनी मार्क्स आप उसके हाथ ही बांध रहे हैं कि वो कुछ ना कर बट इफ यू राइट समथिंग एनीथिंग तो ही विल स्टिल सी यू पुट इन एन एफर्ट और वो आपको उस पर्सन से जो खाली शीट दे के गया है उसके रिस्पेक्टिवली यू विल डू वेरी वेल तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग ये आप लोगों के साथ वेंस यू डू दिस सीएसएस दिस विल हैपन मतलब आई एम श्योर इट विल हैपन टू मोस्ट ऑफ यू कोई लकी फ्यू होंगे जिनके साथ नहीं होगा क्योंकि कुछ के साथ इस तरह होगा कि यू विल फील अप फॉर एग्जांपल कोई मतलब यू गेट अ ऑब्जेक्टिव इन विच यू डोंट नो द आंसर ठीक है यू डोंट नो द आंसर यू स्टिल मस्ट टेक अ गैस यू मस्ट टेक अ गैस एंड जस्ट गिव एन आंसर मतलब चूज अ लेटर कि आज अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता ना आई विल चूज बी If you choose B four times, you will get one right based on probability, 25% correct probability, right? So it means ke, the thing is ke you must not, never give up during the CSS is my advice to you. So is there any other question? I think we've had a very good session. If there's any other question anybody wants to ask, so that's fine. Otherwise, I think I'll log off. Chale. Chale, Ashok, to all of you, best of luck. And if there are any follow-up questions, do send them to CSS Corner. And I'll certainly try to get back to you with it. And I wish you all the best of luck for your CSS and for the screening test. And please do stay in touch. Thank you. Sir, last, please, sir. जी, 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 sir, आप हमारी regular classes या कोई आप weekend पे time दे सकते हैं? आप लोगों से session कर लो मतलब we can do some session in December if you guys want about something else but certainly मतलब I don't have time to teach actually because it's too hectic for me these days like in any case thank you very much ji and we'll stay in touch ji thank you